रीवा शहर में कोई भी नवागत अधिकारी पदभार ग्रहण करता है तो उसकी ट्रेलरबाजी एक आध हफ्ते जरूर देखने को मिलती है। इसके बाद स्थितियां जस की तस हो जाती हैं। हाका अभियान की शुरुआत तत्कालीन रीवा CSP दिनेश कौशल के द्वारा किया गया था, जिसका असर भी रीवा शहर में खासा देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद सिर्फ हाका अभियान का नाम रह गया और टेलरबाजी तक सीमित हो गया। इस अभियान में जिस तरह से पुलिस अमला निकलकर टेलरबाजी दिखाता है, अगर बीट प्रभारी ही ईमानदारी से काम करे तो जहां अपराधों पर रोक लग सकती है, वहीं अवैध कारोबारी भी डरे। लेकिन रीवा जिले में कुछ दिन के लिए ही नियम कानून बनाए जाते हैं, इसके बाद पूरी व्यवस्था पुराने ढर्रे पर छोड़ दी जाती है। गत दिवस नवागत CSP ने पदभार ग्रहण किया तो एक बार फिर हाका अभियान की नौटंकी शुरू हुई है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से सड़क के किनारे खड़े होने वाले ठेला दुकानदारों से पूछताछ की गई, जबकि इस अभियान की जरूरत बिछिया, पाड़न टोला, घोघर, गुड़ चौराहा, कबाड़ी मोहल्ला के साथ साथ स्टेडियम और उन खाली पड़े स्थानों पर है, जहां जुआ और सट्टा के साथ साथ शराब बिक्री और अपराधियों का जमावड़ा लगता है और योजना बनाकर अपराधों को अंजाम दिया जाता है। शराब पी नहीं जाओगे बैठे में है? सब से आदमी तुमको बुला रहा है। ये अभियान तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, मेन कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किया गया एक प्रयास था, जिसमें मैंने सभी थाना प्रभारियों के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया और जहां जो भीड़भाड़ वाले स्थान थे, जहां बेतरतीब लोग पार्किंग करके वाहन चले जाते, तो मेन वाहनों की पार्किंग को नियंत्रित करना और साथ ही जो आवारा और शरारती तत्व हैं वो अनावश्यक ही रोड पर खड़े रहते हैं, जाम लगाते हैं, तो उनको अलग करने के लिए एक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई थी, जिससे कि आमजन आसानी से शहर में भ्रमण कर सके। कई वाहन ने शराब पी के पाए हैं। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है, साथ ही समझाइश भी दी है ऐसे लोगों को कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नमस्कार रीवा, मैं हूं भानु पंडित और मैं हूं अनीता भट्ट और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम में गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल देयर।